सहारनपुर अंबाला रेलवे ट्रैक हरनौल के पास बैठे हैं किसान, भाकियों के बैनर तले कर रहे हैं प्रदर्शन। 3 अध्यादेशों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। शाम 4 बजे तक रेलवे ट्रैक पर बैठे किसान जताएंगे विरोध प्रदर्शन। आज वो आपने ये धरना लगाया, ये कब तक चलेगा? आज आप देख सकते हैं पिछले दिनों जो ये बीजेपी सरकार 3 अध्यादेश लेकर आई थी, किसान विरोधी, आम जनता विरोधी, उनको लेकर लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं। एक कॉल दी गई थी कि 25 तारीख को भारत बंद किया जाएगा, उसी के तहत आज हर यहाँ पर हमने यमुनानगर में रेलवे ट्रैक को जाम किया है। जो सहारनपुर से अम्बाड़ा रेलवे ट्रैक है उसको जाम किया गया है। आज का जो प्रोग्राम है वो 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद अगली रणनीति 27 तारीख को एक पूरे संगठनों की मीटिंग होने जा रही है, उसमें अगले आंदोलन की घोषणा की जाएगी। समय है सरकार के पास, संभल जाए और जाग जाए, नहीं तो ये आंदोलन इतना बड़ा होगा कि सरकार के गले की फांस तो ये बन चुका है। आप देख सकते हैं जो सरकार के पूर्व विधायक हैं, बीजेपी के जो विधायक हैं, किसानों के समर्थन में आके खड़े हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हमें ये जो बिल है किसान विरोधी है बिल है। और जो सरकार के बहुत से MLA हैं वो भी अंदरले खाते किसानों के हित की बात कर रहे हैं, किसानों के साथ खड़े हैं। थोड़े दिन में पूरा देश इस आंदोलन में जुड़ चुका है और ये आंदोलन अब तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे। क्या चौधरी साहब आज आएंगे? उनका प्रोग्राम तो है लेकिन अभी समय निश्चित नहीं हुआ किस वक्त तक आएंगे। अभी वो पिंजौर थे, अभी फोन किया था लेकिन बात नहीं हुई कि वो चले हैं कि नहीं चले। आज केवल आपने रेलवे ट्रैक जाम करके विरोध जताया है, और भी आज यमुनानगर जिले में कई जगहों रोड जाम है। आज रद्दौर त्रिवेणी के ऊपर जाम है, आज पावनी ये जो सडोरा रोड है वो जाम है, और भी कई जगहों अपने आप गांव से निकलकर किसानों ने रोडों पर जाम लगा दिया गया है। बहुत सी मार्केट बंद है किसानों के समर्थन में, कस्बे कई बंद है किसानों के समर्थन में। आज पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है। ये दुकानें बंद स्वेच्छा से हुई है कि बंद करवाई है? नहीं जी, हमने सिर्फ अपील की थी। हमने अपील की थी कि अगर किसान है तो बाजार है, अगर किसान है तो आम जनता है, अगर खेती है तो रोटी है। तो हमने अपील की थी कि किसानों के आंदोलन का भागीदारी बने, क्योंकि ये जन आंदोलन है। ये आंदोलन हर उस प्राणी का है जो आज समाज में रहे, बड़े का है, ये व्यापारी का है, ये मजदूर का है। क्योंकि जो कानून ये बीजेपी लेकर आई है खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, वो जो बिल पास किया गया उसे ब्लैक बढ़ेगी, और जब ब्लैक बढ़ेगी तो आज जो 2 रुपए किलो गेहूँ आम जनता को मिलती है वो इनको फिर अंबानी 25 रुपए या 30 रुपए देगा, ये भूल जाए, हमारे को सस्ता अनाज मिलेगा। इसलिए आज पूरा समाज किसानों के इस आंदोलन का समर्थन कर रहा है।